जो जोड़ होता है यहाँ का, ठीक है, उसके दर्द की वजह से हो सकता है, अंदर लंग्स के वजह से, फेफड़े के वजह से भी हो सकता है, और हार्ट के भी वजह से होता है। जो बीपी शुगर के मरीज हैं, जो ठीक है, गांव के लोग अगर देखा जाए सर, अक्सर गांव के लोग होता है कि सीने में दर्द हो गया, काम करते करते दर्द होने लगा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि काम से क्यों? सबसे ज्यादा चेस्ट पेन होने का कारण होता है उनके काम का झटका। काम किया, कोई चीज उठाया और वो झटका लग गया सीने पे, ठीक है, या चोट लग गई कोई सीने पे, वो सबसे ज्यादा होता है मजदूरों। तो भाई वो अच्छा, इसका लक्षण क्या हो सकता है हार्ट का, अगर देखा जाए तो क्या लक्षण होता है? हार्ट में ही दर्द होता है, लोग कहते हैं सीने में दर्द हुआ तो हार्ट हो सकता है। सीने में दर्द, अगर सिर्फ हार्ट की बात करते हैं, हार्ट अटैक की अगर बात करें तो सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, पैर में सूजन आता है, ठीक है, कभी कभी घबराहट होता है, है ना, बीपी कम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज हमारे साथ हैं लखनऊ से, कैजेमू से चल के यहाँ बनारस में है चेस्ट के स्पेशलिस्ट। आप लोग कहते थे ना कि किसी ऐसे डॉक्टर से आप मिली जो क्या होता है कि हार्ट के बारे में बताए, तो उस पर हम लोग निजात के बारे में बात किया, कैसे बचेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका, डॉक्टर साहब चंद्रशेखर है सर। सर अगर एक बात आपसे कर लिया जाए, चूंकि देखिए चेस्ट को लेकर चेस्ट के स्पेशलिस्ट है आप, बनारस में बैठते हैं, भोजपुर में सर, भोजपुर में बैठते हैं सर, और चेस्ट पे आए थे हम गांव से हैं, और गांव के लोग अक्सर चेस्ट में घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि हार्ट अटैक हो जाए, तो सर कैसे बचा जाए इससे, चेस्ट को लेकर अगर बात किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूं, और जो चेस्ट का जो हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं वो हार्ट रोग में आता है, हार्ट अटैक एक अलग चीज है, चेस्टों के अलग, सीने में दर्द होने लगता है। और जो सीने में दर्द जो है कई कारणों से हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें सीने में सिर्फ दर्द की, तो सीने में दर्द ऊपर की हड्डी की वजह से भी हो सकता है, जो जो जोड़ होता है यहाँ का, ठीक है, उसके दर्द की वजह से हो सकता है, अंदर लंग्स की वजह से, फेफड़े की वजह से भी हो सकता है, और हार्ट के भी वजह से होता है। जो बीपी शुगर के मरीज हैं, जो पुराने हार्ट के मरीज रहे हों, जिनके हार्ट की कोई दवा चल रही हो, अगर उनके सीने में कोई अचानक दर्द होता है, अगर उनके साथ पसीना होता है, या कोई ऐसा दर्द है जो कि असहनीय है, ठीक है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं है ये आपके हार्ट के डॉक्टर, हार्ट के स्पेशलिस्ट ही कंफर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ चेस्ट की बात करूं, तो चेस्ट के दर्द और कई तरीके के वजह से होता है। चेस्ट का दर्द हो सकता है सीने में पानी के वजह से, फेफड़े में पानी, इसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर के हड्डियों की वजह से, ठीक है, हड्डियों में तनाव या मांसपेशियों में तनाव या झटका कोई लगा हो उसकी वजह से हो सकता है। बचने का तरीका क्या है सर, बचने का तरीका क्या हो सकता है? तो हर तरीके का अलग, बचने का तरीका है कि अगर आप सिर्फ हार्ट अटैक से बचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बीपी शुगर के अगर मरीज हैं तो आपका बीपी शुगर एकदम कंट्रोल होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत कम होना भी बीपी शुगर खतरनाक होता है, ज़्यादा होना भी खतरनाक होता है, तो एक रेंज में रहना चाहिए। अगर लंग्स की बात है, तो अगर आपके हार्ट चेस्ट में सब कहीं स्पेसिफिक पेन हो रहा है, जैसे सीने में कहीं इधर उधर पेन हो रहा है, तो उसका एक एक्सरे होना चाहिए जिसमें दिख जाए कि कोई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो वो परेशानी जल्द से जल्द उसको डिटेक्ट होना चाहिए जी। और वो उसका इलाज होना चाहिए, यही है सीने में दर्द का इलाज पूरा। और अगर बचने की बात करें, ठीक है जी। तो बचाव की अगर बस बात करें, तो भाई जो सीने का दर्द है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक बचाव है कि अपने हाथ पैर, जो हम लोग की दिनचर्या की लाइफ है, ठीक है, उसको मेंटेन करें, एक रेगुलर एक्सरसाइज में रहें, ठीक है, साथ साथ में अपने खान पीने में और अपने उसमें दिनचर्या में एक नियमितता बना के रखें, ठीक है। गांव के लोग अगर देखा जाए सर, अक्सर गांव के लोग होता है कि सीने में दर्द हो गया, काम करते करते दर्द होने लगा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि काम से क्यों, क्या प्रभाव पड़ सकता है सीने पे? काम से करते करते दर्द होता है, मतलब इसका मतलब है कि वो काम करते, तो काम भी अलग अलग तरीके का होता है। मैं भी बैठ के यहाँ पे काम ही कर रहा हूँ, ठीक है, और एक किसान आदमी भी काम कर रहा है। किसान से मजदूर की बात करें, तो देखो मजदूर की, अगर सिर्फ मजदूर की बात करें, तो सबसे ज्यादा चेस्ट पेन होने का कारण होता है उनके काम का झटका। काम किया, कोई चीज उठाया और वो झटका लग गया सीने पे,
ठीक है, या चोट लग गई कोई सीने पे, वो सबसे ज्यादा होता है मजदूरों में, ठीक है। मजदूर लोगों में जो रेगुलर मजदूरी करते हैं ना, कह रहा था कि इसमें सिंपल सा एक ही फंडा है, अगर कोई वो डिपेंड करता है, या कोई बहुत वृद्धावस्था की उम्र में है, हार्ट और शुगर का बीपी का मरीज है, ठीक है, उसके में सीने में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है ज्यादा, ठीक है, या हार्ट से ही रिलेटेड कोई बीमारी की तरफ जाता है। कुछ मेडिसिन से भी प्रभाव पड़ता है क्या, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी किसी को बहुत एक्सेसिव गैस होता है, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, उसकी वजह से भी सीने में दर्द होता है, समझ रहे। अगर एसिडिटी है, बहुत ज्यादा पेट में एसिड बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है, उसके तरफ भी सीने में, चेस्ट में पेन होता है। तो चेस्ट दो रोग है, चेस्ट पेन है, सीने में दर्द है, वो कई कारणों से होता है। वो आप किसी विजिटिंग कंसल्टेंट, चेस्ट रोग विशेषज्ञ या हार्ट रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वो इन सी सब चीजों में कारण ढूंढता है और आपको वो कारण निकाल के वो इलाज देता है, ठीक है। उसमें कई जांचें भी होती हैं, एक्सरे, ईसीजी, शुगर बीपी की जांच, है ना, कई तरीके की जांचें होती हैं। अगर उसको ज़रूरत लगती है तो सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी भी होती है, ठीक है, तब जाके एक फाइनल डिसीजन आता है और उसका इलाज चलता है। मेडिसिन से मतलब कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो चेस्ट में पेन कराती हैं। गांव में देखा जाता है सर, डॉक्टर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि डॉक्टर के दवा से भी प्रॉब्लम हो जाता है सर। आप डॉक्टर, आप समझ सकते हैं, चूँकि एक डॉक्टर की चमीन तभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर लोग भी गलत कर जाता है कि नहीं सर। अब देखिए, दुनिया का हर प्रोफेशन की तरह से डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, जो अपने आए हुए मरीज को हमेशा सही करने की कोशिश करता है, ना कि उसको ख़राब करें। भाई हम, आप हमारे पास आ रहे हैं, हम अगर अपने प्रोफेशन और अपने पब्लिक, अपने सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं तो क्या होता है कि दवा रिएक्शन कर गया। देखिए, दवा रिएक्शन तो किसी को कभी भी कोई दवा कर सकती है, रिएक्शन की तो कोई डिक्शनरी ही नहीं है। दवा कोई भी, हम भी कोई दवा हो सकता है खाए हमको रिएक्शन कर जाए, अच्छा। इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई डिक्शनरी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक चीज होती है कि अगर आम उमन जो टैबलेट्स और ये सब होती हैं, वो बहुत हल्का रिएक्शन करती है, चकत्ते वकत्ते पड़ते, अब आप उसी समय अपने डॉक्टर पास जाते हो, वो उसका इलाज कर देता है। लेकिन ये लाखों में से एक आधा लोग को होता है। कुछ इंजेक्शन ऐसी होती हैं जो ज़्यादा, कुछ इंजेक्शन जो ज़्यादा रिएक्शन करती हैं, तो डॉक्टर उनको अपने सामने लगाता है कि भाई इससे दिक्कत हो तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यही प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। सीने के दर्द से ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सीने के दर्द से वो नहीं है कि हमको मौत तक ले जाए, सीधी सी बात, ऐसा भी हो सकता है क्या? भाई हार्ट का पेशेंट अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में लैंड अप कर जाता है, हार्ट अटैक में लैंड अप कर जाता है, जिसमें हार्ट की मांसपेशियों को खून कम मिलता है, अगर वो स्थिति आ जाएगी तो भाई वो, अच्छा इसका लक्षण क्या हो सकता है हार्ट का, अगर देखा जाए तो क्या लक्षण होता है? हार्ट में ही दर्द होता है, लोग कहते हैं सीने में दर्द हुआ तो हार्ट हो सकता है। सीने में दर्द, अगर सिर्फ हार्ट की बात करते हैं, हार्ट अटैक की अगर बात करें तो सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, पैर में सूजन आता है, ठीक है, कभी कभी घबराहट होता है, है ना, बीपी कम हो जाता है, ये सब चीज़ें लक्षण होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कोई दो चार पांच लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो सीने में दर्द होता है, ठीक है, पसीना आने लग जाता है, घबराहट होती है मरीज को, कपकपी होती है, सांस फूलने लग जाता है, ठीक है, ये सब दिक्कतें होती हैं जिसके वजह से मरीज को ऐसा कहते हैं हम लोग, हार्ट अटैक हो रहा है। एक लाख सवाल होगा सर, आप लखनऊ से मतलब इस तरह से बनारस में आने का क्या रहा, कैसे थोड़ा सा? मैंने MBBS किया है KGMC लखनऊ से, ठीक है, और MD किया है GSVM कानपुर। उद्देश्य क्या है सर? ठीक है, उद्देश्य सारे डॉक्टर को सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कि उसके मरीज ठीक हों, उसकी दवाई से उसको उसके इलाज से फायदा हो और वो सुचारू रूप से अपने जीवन शैया जी सके। एक लाख सवाल आपसे करूंगा सर, जिस तरह से अगर देखा जाए आज डॉक्टर को भी मात दे रहे हैं बाबा लोग, उस पे आपका क्या है? एक साइंस को भी लोग कहते हैं कि फेल हो गया, आप साइंस है, मैं ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इस पर हम लोग बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डिस्कशन है। होता है कि नहीं सर? बाबा अलग है, डॉक्टर अलग है, डॉक्टर फेल कर जाते हैं, वो अलग, वो इसका डिस्कशन ही बहुत बड़ा है, इस पर तो मैं बात ही नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन बस मैं इतनी बात कहूंगा, ठीक है, कि अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, विशेषज्ञ डॉक्टर है, जिसने MBBS MD किया है और अपने प्रोफेशन, अपने सरकार, अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मरीजों के लिए ईमानदार है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, बस मैं इतनी बात कहूंगा, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू सर, आपने समय दिया, आज हमारे बीच में थे चंद्रशेखर जी, जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट है। अगर आपको भी लगता होगा कि नहीं कोई शंका है
निसंदेह आप वाराणसी में मिल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारा तरह के आप देखते हैं कि कभी कभी चेस्ट को लेकर का भी लोग उतावला हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिंदगी से हाथ धो, तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बताएंगे निश्चित। क्या सर, चलिए सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।